हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SS फाउंडेशन पे। तो आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है, उसका आज हम पार्ट 3 करने जा रहे हैं। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जब भी मैं अपने चैनल पर नया वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास है वो कहता है कि जो मैटर है, ना ही हम उसको बना सकते हैं ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। देयर फोर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। इसी कारण कोई भी रिएक्शन में जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट हो हमेशा टोटल मास ऑफ जो प्रोडक्ट है उसके इक्वल होना चाहिए। मतलब जो रिएक्टेंट में जितने एटम है उतने ही प्रोडक्ट में एटम होना चाहिए, यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट करता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम पहले बैलेंसिंग सीखेंगे, मतलब जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको हम लोग कैसे बैलेंस करते हैं उसको हम सीखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं, जो पहला है Fe3O4+H2 गिविंग राइज टू Fe+H2, ये बैलेंस नहीं है, इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। तो हम लोग रिएक्टेंट में देखते हैं जो Fe3 है वहाँ पे Fe कितना है, 3 है, यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में 1 है Fe। तो यहाँ पे अगर हम लोग 3 लगा देंगे तो ये Fe तो बैलेंस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे O4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे ये, यहाँ पे अगर 4 लगा देंगे तो ये भी बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आ रहा है कि जो ये हाइड्रोजन है वो 8 हो जा रहा है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन में हम 4 लगा देंगे तो 8 हो जाएगा। ऐसे हम लोग ये बैलेंस कर दिए। ऐसा ही यहाँ पे ये जो तीनों है उसको आप बैलेंस करेंगे और कमेंट सेक्शन में आप मुझको बताएंगे। ठीक है, अगर आपसे नहीं होता है तो मैं आपको बैलेंस कर कर बताऊंगा। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो अपने जो NCERT जो टेक्स्ट बुक है उससे पढ़े, तब भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके लिए दूसरा वीडियो लाऊंगा। ठीक है, हमारा जो अगला जो टॉपिक हुआ है करोजन। तो करोजन होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ स्लोली रिएक्टिंग अपॉन मेटल ड्यू टू द अटैक ऑफ एटमोस्फियरिक गैसेस लाइक O2, CO2 एक्सेट्रा इज कॉल्ड करोजन। जैसे कि जो स्लो कन्वर्जन ऑफ जो मेटल होता है, अटैक होता है जो एटमोस्फियर में जो गैस होते हैं लाइक ऑक्सीजन और CO2, तो उसको हम लोग करोजन कहते हैं। ठीक है, तो करोजन का एक और डिफिनेशन है, अगर आपको ये पसंद ना है तो आप वो भी लिख सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल इंटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड्स बाई द एक्शन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एयर दैट इज ऑक्सीजन मॉइस्चर एंड अदर गैसेस लाइक SO2, NO2, CO2, H2S एंड एसिड इज कॉल्ड करोजन। ठीक है, तो आपको ये दोनों में से जो पसंद है वो अपने आप नोट्स में डाल सकते हैं, मैं फिर से वो बता देता हूँ। द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल इन टू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड बाई द एक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ एयर लाइक दैट इज ऑक्सीजन मॉइस्चर एंड अदर गैसेस लाइक SO2, NO2, CO2, H2S एंड एसिड्स इज कॉल्ड करोजन। ठीक है, आप ये दोनों ये जो डिफिनेशन है उसमें से आपको एक अपने नोट्स में लिख सकते हैं या दोनों भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो रस्ट का फॉर्मूला, मतलब ये जो रस्ट है Fe2O3XH2A कैसे आया वो मैंने आपको यहाँ पे कर कर बताया है। तो ये आप अपने नोट्स में लिख दीजिए और इसको हो सके तो आप याद कर लीजिए। ठीक है, अगर एग्जाम में आए कि करोजन क्या होता है तो आप करोजन लिख दीजिएगा। ये जो रस्ट का जो ये जो रस्ट के जो फॉर्मूला होता है Fe2O3XH2O, उसके साथ ये कैसे आया वो भी मैंने बताया है, वो भी आप एग्जाम में लिखिएगा। तो जो एग्जामिनर होगा उसके ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट होगा, मतलब वो समझेगा, मतलब बच्चे बच्चा जो है वो बहुत मेहनती है, उसको बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है उसको हम लोग देखते हैं। हमारा जो अगला जो टॉपिक है प्रिवेंशन, मतलब कैसे हम लोग कोई भी आयरन जो आर्टिकल होता है उसको हम लोग रस्ट उसमें जंग लगने से कैसे उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। तो पहला जो हमारा है वो है पेंटिंग। पेंटिंग करके हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, गैल्वनाइजेशन करके उसको हम लोग प्रिवेंट करते हैं, ऑयलिंग करके उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, ग्रीसिंग करके हम लोग उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, या जो एल्युमिनियम होता है एल्युमिनियम के एक परत जो होता है उसको हम लोग उस पर चढ़ा के जो कि Al2O3 उस पर जो फॉर्म हो जाता है जिससे जो रस्ट होता है जो आयरन आर्टिकल पे नहीं लगता है वो करके हम लोग उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसको हम लोग इस चैप्टर में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जो थर्ड चैप्टर है मेटल और नॉन मेटल उसमें यही चीज डिटेल में पढ़ना है। तो यहाँ पे बस हम लोग ये जान जाएंगे कि कोई भी जो आयरन आर्टिकल होता है उसको हम लोग रस्ट लगने से उसको हम लोग कैसे प्रिवेंट करेंगे। तो जो पेंटिंग है, गैल्वनाइजेशन है, ऑयलिंग है, ग्रीसिंग है, ये सब हम लोग जान गए, ये मोर देन एनफ है इस चैप्टर के लिए। ठीक है, जो हमारा जो अगला टॉपिक है रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी होता क्या है? तो
तो रेंसिडिटी क्या होता है, वेन फूड आइटम कुक्ड इन ऑयल एंड फैट, जो कि फूड आइटम होता है जो कि ऑयल और फैट में जो बना हुआ होता है आर केप्ट एक्सपोज, उसको अगर हम लोग अनप्रोटेक्टेड वे में अगर रखेंगे, एक्सपोज करके रखेंगे, तो ये क्या होता है, दे गिव अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट, वो अनप्लेजेंट स्मेल और टेस्ट देना शुरू कर देता है एंड बिकम रेंसिड, और वो रेंसिड बन जाता है, ठीक है, और इसी फिनोमेना को हम लोग कहते हैं रेंसिडिटी, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे प्रिवेंट कर लेंगे, तो मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग रेंसिडिटी, ठीक है, तो रेंसिडिटी को रोकने के लिए क्या क्या मेथड है, तो बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट हम लोग डाल के प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कि विटामिन सी और विटामिन ई, बाई कीपिंग फूड आइटम एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर में फूड आइटम को रख के हम लोग रेंसिडिटी से उसको बचा सकते हैं, जैसे कि हम लोग अपने जो फ्रिज होता है उसमें हम लोग रख कर बचा सकते हैं, वैक्यूम पैकिंग करके हम लोग बचा सकते हैं, रिप्लेसिंग एयर बाई नाइट्रोजन, जो नॉर्मल एयर होता है उसको हम लोग नाइट्रोजन से उसको उसमें डाल के हम लोग बचा सकते हैं, जैसे कि हम लोग जो चिप्स का पैकेट होता है उसमें क्या भरा रहता है, फूला हुआ होता है, तो हम लोग सोचते हैं उसमें हवा भरा हुआ है लेकिन उसमें नाइट्रोजन भरा हुआ होता है, ठीक है। तो वहां पे हमारा ये जो चैप्टर है, पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये खत्म होता है। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ये वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।